नमस्कार, टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मुख्य संपादक मुकेश तिवारी की ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। सिवनी रेल विकास समिति जिला सिवनी मध्य प्रदेश द्वारा मंडल रेल प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेल मंडल नागपुर को निवेदन दिया गया। विद्य महाकौशल व विदर्भ क्षेत्र को सीधे रेल मार्ग से जोड़ने हेतु नागपुर रामटेक मंदसौर महाराष्ट्र से जबलपुर शिकारा मध्य प्रदेश तक नए रेल मार्ग रामटेक खवासा कुरई सिवनी छपारा लखनादोन धुमा शिकारा के निर्माण के संबंध में सुझाव मांग व निवेदन इस विषय पर था। इस निवेदन उन्होंने कुछ मुद्दे रखे जो इस प्रकार से हैं। नागपुर व जबलपुर देश के बड़ी तेजी से विकसित हो रहे महानगरों में शुमार है। जहां नागपुर शिक्षा व मेडिकल सुविधाओं के क्षेत्र में अग्रणी हो रहा है, वहीं अधिक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के कारण बुंदेलखंड विद्य व महाकौशल क्षेत्र के निवासियों का आवागमन नागपुर होता रहता है, जिससे इस क्षेत्र के निवासियों को सस्ता व सुविधाजनक आवागमन का लाभ मिलेगा व भविष्य में भारत देश की राजधानी बनने की योग्यता रखने वाला महानगर है। वहीं जबलपुर रक्षा क्षेत्र के उपकरणों के निर्माण व अन्य उद्योगों धंधों वाला महानगर व महत्वपूर्ण केंद्र है, जिससे माल ढुलाई का काम बढ़ने की संभावना वाला क्षेत्र है। विद्य क्षेत्र व महाकौशल क्षेत्र मध्य प्रदेश के प्रगतिशील क्षेत्र है, जिन्हें महाराष्ट्र के विकसित विदर्भ क्षेत्र से सीधे जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों का अधिकांश नागरिक रोजगार व्यापार स्वास्थ्य सुविधा शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से नागपुर जाना पसंद करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री जी के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनारस के भी नागरिक का संपर्क विदर्भ के नागपुर शहर से बना हुआ है। रीवा सतना क्षेत्र से चलने वाली व दक्षिण की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों को जबलपुर शिकारा लखनादोन सिवनी खवासा देवलापार पौनी रामटेक होते हुए सीधे नागपुर से जोड़ा जा सकता है, जो सबसे कम दूरी का व समय की बचत करने वाला रेल मार्ग होगा। नागपुर से इटारसी के मध्य रेल यातायात की व्यवस्था को देखते हुए नए वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि विगत 2015 में इटारसी जंक्शन में सिंगल कंट्रोल पैनल सिस्टम में आग लगने के कारण संपूर्ण भारत देश में रेल यातायात लगभग 2 माह से बुरी तरह से प्रभावित रहा। वही इस ट्रैक में बहुत व्यस्त रेल ट्रैफिक होने के कारण उचित तरीके से रखरखाव न होने पाने से हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। नए प्रस्तावित रेल मार्ग को नागपुर रामटेक मंदसौर से पौनी देवलापार खवासा कुरई सिवनी बंडोल छपारा गणेशगंज लखनादोन धुमा शिकारा सुकरी जबलपुर के रास्ते बनाया जा सकता है। यह प्रस्तावित रेल मार्ग 2 राज्यों महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के अंतर्गत 5 लोकसभा क्षेत्रों में, जिसमें नागपुर रामटेक बालाघाट मंडला जबलपुर से होकर गुजरेगा। अभी नागपुर से वाया इटारसी जबलपुर की दूरी लगभग 540 किलोमीटर है, जो प्रस्तावित नए मार्ग से लगभग 275 किलोमीटर होगी, जो वर्तमान मार्ग से 265 किलोमीटर कम होंगी, जिससे समय ऊर्जा की बचत रेलवे को होंगी व रेलवे को सिर्फ 170 किलोमीटर की ही नई रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी। प्रस्तावित नए मार्ग में वर्तमान में नागपुर से मंदसौर कांद्री रामटेक 40 किलोमीटर तक रेल मार्ग उपलब्ध है, वो वर्तमान में यातायात चालू है। मंदसौर से सिवनी 80 किलोमीटर तक नया रेल मार्ग बनाना होगा, जिसमें यह पूरा क्षेत्र आदिवासी समुदाय के अधिकांश लोगों का निवास स्थल है, जो कि बाहर दूसरे शहरों में जाकर मजदूरी करते हैं। रामटेक में जहां देश का प्रसिद्ध राम मंदिर व जैन मंदिर सहित अनेकों तीर्थस्थल व पर्यटक स्थल है, वहीं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा में प्रसिद्ध पेच नेशनल पार्क, जिसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो देश का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, वो आगे कान्हा नेशनल पार्क भी है। जबलपुर से सिवनी के मध्य शिकारा तक लगभग 62 किलोमीटर में रेल मार्ग उपलब्ध है, जिसे सिवनी तक जोड़ने में लगभग 90 किलोमीटर रेल मार्ग नया बनाना पड़ेगा, जिसे शिकारा से धुमा लखनादोन छपारा सिवनी तक के रास्ते बनाया जा सकता है। जबलपुर में सेना के आयुध निर्माण व महान निर्माण के कारखाने वो प्रमुख सैन्य केंद्र है, जिसका की पुलगांव जवाहरनगर वो भादक जो महाराष्ट्र में स्थित आयुध निर्माणी है से सीधा संपर्क हो जाएगा। वहीं जबलपुर क्षेत्र में अनेक धार्मिक व पर्यटक स्थल है, जिसमें बेड़ाघाट प्रमुख है। वर्तमान में प्रयागराज प्रतापगढ़ व बनारस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। नागपुर मध्य कम से कम 50 बसों का प्रतिदिन आना जाना होता रहता है। वह रीवा जबलपुर सिवनी नागपुर के मध्य कम से कम 300 बसें प्रतिदिन आना जाना करती है, जिसका रेलवे मार्ग बनने पर 70-80% जनता का आवागमन रेल से होने लगेगा, जो रेलवे के लिए फायदेमंद रहेगा। सिवनी जिले के सुखतरा में हवाई पट्टी का
है। वो वहाँ पर विमानों के रखरखाव से संबंधित कार्य एक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस रेल मार्ग के निर्माण हो जाने से विमानों के रखरखाव से संबंधित कच्चे माल को यहाँ से लाने ले जाने में सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जिससे रेलवे को माल ढुलाई का अवसर उपलब्ध होगा। यदि इस रेल मार्ग को मंजूरी दी जाती है तो रेलवे को माल ढुलाई के लिए प्रयागराज की तरफ से आने वाले माल व मुंबई व साउथ की तरफ से प्रयागराज की तरफ जाने वाले माल की ढुलाई जो अभी ट्रकों से की जाती है उसका अधिकांश हिस्सा ट्रकों की बजाय रेल से ढोया जा सकेगा, जिससे रेलवे को अपनी आय बढ़ाने का अवसर उपलब्ध हो सकेगा। शिकारा के नजदीकी स्टेशन बिकेनी के पास अडानी ग्रुप द्वारा झाबुआ पावर प्लांट के नाम से कोयले से विद्युत उत्पादन का पावर प्लांट स्थापित किया गया है। उक्त प्लांट तक साउथ से आने वाले कच्चे माल व कोयला इत्यादि को कम समय व कम लागत में पहुंचाने के लिए भी यह रेल मार्ग बहुत उपयोगी होगा, जिससे रेलवे की आय बढ़ेगी। यह रेल मार्ग यदि बनता है तो दिल्ली की तरफ से दक्षिण भारत को जोड़ने का नया वो वैकल्पिक मार्ग होगा। साथ ही पिछड़े हुए क्षेत्र विद्य बुंदेलखंड व महाकौशल व महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र जहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज उपलब्ध है के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। अनेक आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों के विकास का माध्यम बनेगा। सबसे बड़ा काम ये होगा कि रेलवे को ईंधन ऊर्जा के साथ साथ समय की बचत तो होगी ही, साथ ही वर्तमान रेल मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। वर्तमान रेल मार्ग के रखरखाव हेतु पर्याप्त समय मिला करेगा, जिससे रेल मार्ग में होने वाली दुर्घटना में कमी आएगी। वह एक वैकल्पिक रेल मार्ग उपलब्ध होने से यातायात में होने वाली असुविधा कम होगी, क्योंकि वर्तमान समय में रखरखाव हेतु अनेक ट्रेनों को महीनों के लिए रद्द किया जाता है। इसी विषय को लेकर देवलापार में बैठक का आयोजन किया गया था। उसमें अमित सक्सेना, भोजराज मदने, घनश्याम सनोड़िया, शरद गुप्ता, अजय गुप्ता, अचल चौरसिया, वीरेंद्र सिंह बघेल, सत्यम सूर्यवंशी, उमेश फुलबेल, ललित जायसवाल, पंकज मासूरकर, मुकेश तिवारी, मुकेश पेंदाम, बिंदु बघेल के साथ रानी बघेल आदि लोग उपस्थित थे। इस बैठक में रेलवे समिति के अध्यक्ष घनश्याम सनोड़िया, सचिव भोजराज मदने, कोषाध्यक्ष दीपक मेहंदीरत्ता, सत्यम सूर्यवंशी, मुख्य सदस्य तरुण मुनियट्टा, अचल चौरसिया, रानी बघेल, बिंदु बघेल, रविंद्र बघेल आदि उपस्थित थे। नमस्कार, टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। देवलापार में 7 मई को सिवनी जिला रेलवे संघर्ष समिति के द्वारा आयोजन किया गया था और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देवलापार में सिवनी जिले से कुछ आमंत्रित लोग आए हैं और खासकर देवलापार के भी लोग उपस्थित है। हमें ये जो मार्ग है सिवनी नागपुर से जो सिवनी जबलपुर शिकारा रामटेक का रेलवे लाइन के विषय में जो चर्चा चल रही है उसके विषय में हमें सिवनी से जो आमंत्रित लोग आए हैं वो हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं। हम उनसे जानकारी लेने की रेल विकास समिति के ओर से हेमराज जी मदने हैं और बाकी कार्यकर्ता भी उपस्थित है, तो हम उनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। बताएंगे आप हेमराज जी। शिकारा से रामटेक मंसर इस रेल लाइन की मांग हम लोग विगत लगभग 7-8 वर्षों से निरंतर कर रहे हैं। इसके लिए सिवनी जिले में हम लोग विभिन्न चरणों में आंदोलन भी कर रहे हैं। मंसर से देवलापार, पौनी, कोरई, खवासा, सिवनी और लखनादौन, धूमा, शिकारा के लिए हम नए रेल मार्ग की मांग कर रहे हैं। ये पूरा क्षेत्र आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, रोजगार के साधनों की यहाँ पे कमी है और विकास की भी यहाँ पे कमी है, क्योंकि रेल लाइन इस क्षेत्र में नहीं है। यहाँ के निवासियों को, हम सब लोगों को लगता है कि रेल लाइन यदि होगी हमारे क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा। इसी सब बातों को लेकर हम लोग निरंतर सरकार के संपर्क में हैं, उनका अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लगातार आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। उसी दृष्टि में आज हमारी ये बैठक देवलापार में आयोजित थी। इसमें देवलापार के हमारे साथी लोग भी उपस्थित हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है कि ये रेल लाइन हो। नागपुर से रामटेक मंसर तक रेल लाइन है, वहाँ से आगे पौनी देवलापार होते हुए जबलपुर तक रेल लाइन की हम मांग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के सभी नागरिक इस रेल लाइन के लिए एकत्रित हों,
अपने अपने जनप्रतिनिधियों पे, चाहे वो पंचायत स्तर के हों, जिला पंचायत स्तर के हों, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, सब पे अपनी बात पहुंचाएं, उस मांग को करें जिससे क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। रामटेक में शिकारा के दरमियान जिस रेल लाइन की मांग अभी हो रही है, उस रेल लाइन की मांग कब से शुरू हुई थी और अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है या नहीं? इस रेल लाइन की मांग 1992 से चालू है, जब गोटे गांव में एक संत सम्मेलन हुआ था और उसमें हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी शामिल हुए थे, तब मांग थी गोटे गांव सिवनी रामटेक जोड़ने की। लेकिन अब गोटे गांव की जगह हमारी मांग समय अनुसार बदल गई है और हम रामटेक मंसर से सिवनी होते हुए लखनादौन के पास सिकारा स्टेशन सीधे जबलपुर को जोड़ता है। यह मार्ग बनने से पूरे देश में रेल मार्ग उत्तर से दक्षिण के लिए सीधा जुड़ जाएगा, जिससे रेलवे को कम समय में ट्रेनें पहुंचेंगी, राजस्व का फायदा होगा, समय बचेगा और इसके साथ साथ हमारे इस क्षेत्र को जहां रेलवे लाइन उपलब्ध नहीं है, नागपुर जबलपुर की सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है, इसको रेल सेवा उपलब्ध होगी और नागपुर हमारे मध्य भारत का मेडिकल क्षेत्र में एक हब है। यहाँ पर हमारे पूरे मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र से, विंध्य क्षेत्र से, बनारस तक से लोग इलाज कराने आते हैं। इन्हें इस लाइन के बनने से साधारण सुविधा, एक इजी वे में रेल सुविधा उपलब्ध होने से आवागमन का साधन सुलभ होगा और इसके साथ ही यहाँ पेंच पार्क है, इससे पेंच का डेवलपमेंट बढ़ेगा, यहाँ यात्री आएंगे रेल सुविधा बढ़ने से और हमारे इस क्षेत्र के जो आदिवासी भाई यहाँ रहते हैं उनको व्यवसाय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन बढ़ने से रेलवे लाइन के माध्यम से उनको रोजगार के अवसर नित्य मिलेंगे। हमारे यहाँ होटल, लॉजिंग, टैक्सी, सारा व्यवसाय बढ़ जाएगा, इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे सीनियर समिति बनी हुई है, हम इसको स्टेशन स्तर पर इसको विस्तारित कर रहे हैं बैठकों के माध्यम से। इसके बाद हम लोग सभी इस क्षेत्र के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। जब ये नहीं सुनेंगे तो हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और हमारी मांग पूरी होते तक लड़ेंगे। रानी बघेल सिवनी से रेल संघर्ष समिति की सदस्य हैं और आज देवलापार में समस्त क्षेत्र के लोगों से हम निवेदन करने आए हैं कि हमारे संघर्ष में आप सबका सहयोग हमें मिले, ताकि हम अपने जो संघर्ष जो हम कर रहे हैं उसमें आप लोगों के सहयोग से हमें सफलता प्राप्त हो। बस यही निवेदन मैं क्षेत्रवासियों से करना चाहती हूँ और एक बार चाहूँगी कि मेरे साथ सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं। रेल संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। करने फटी आज फात मिला रामटेक तालुक्यातील देवलापार येथील स्वामी विवेकानंद विद्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे। या बैठकीमध्ये शिवनी मध्य प्रदेश येथील शिवनी रेल विकास समितीचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। आपका बहुत स्वागत है। क्या उद्देश्य इस चर्चा सत्र का आयोजन रखा गया है और इस रेलवे लाइन की क्यों आवश्यकता आन पड़ी है? देखिए, ऐसा है कि अभी नागपुर से बीच में सीधा रेल मार्ग नहीं है और ये इस रेल लाइन के कारण जो ना होने के कारण ये पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। चाहे हम तुमसर रामटेक से लेकर पौनी देवलापार, कुरई, खवासा, सिवनी, उधर आगे बढ़ते हैं अपन तो जो है लखनादौन, छपारा और धूमा तक का पूरा आदिवासी क्षेत्र है और ये पूरा आदिवासी क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे पर्यटन के अवसर हैं परंतु मार्ग, रेल मार्ग न होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ पे पहुंच नहीं पाते। यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है, व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं है। इन सभी बातों को लेकर हम पिछले 7-8 वर्षों से विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाएं और संबंधित सभी जिम्मेदारों तक पहुंचाएं, ऐसी अपेक्षा के साथ ये आज बैठक थी। आगे भी हम निरंतर बैठक करते रहेंगे। क्षेत्र के विकास के लिए इस रेल मार्ग का होना बहुत जरूरी है। सिवनी रेल विकास समिति, सिवनी रेल विकास समिति, सिवनी रेल विकास समिति।
निवेदन देते समय संयोजक गोविंद सिंह बघेल प्रेम जैन, उपाध्यक्ष सुदर्शन गोलानी हीरा चौक से, हरीश जैन रमाकांत चौक से, मनीष केसरवानी लोचन मरसकोले, शबीर खान गोल्डी ठाकुर, श्रीमती सीमा चौहान, राकेश बघेल उप सचिव, सुनील डोंगरे, सत्यम सूर्यवंशी, विपिन शर्मा, आशीष माना ठाकुर के साथ में सदस्य राजेश उपाध्याय, अशोक टेकाम, अजय डोंगरिया, दिलीप अग्रवाल, विजय उइके, ज्ञानचंद सनोडिया, तरुण मुनिया टाक, संतोष अग्रवाल, हमीद कुरेशी, हरिशंकर शाहू, आफक खान, परसराम चंद्रवंशी, मनीष गौर, अचल चौरसिया, सुनील बघेल, अभिषेक दुबे, शादाब खान, नवेदु मिश्रा, गौरव जायसवाल, बसंत बघेल, रानी बघेल, दादू निखेन्द्र सिंह, जितेंद्र सनोडिया, मनीष अग्रवाल, राजा मुबीन खान, राकेश सनोडिया, श्रीमती ममता ठाकुर, शिवम बघेल, विनोद पुरोहित, ज्योति कपिल सनोडिया, श्रीमती रुक्मणी सनोडिया के साथ साथ देवलापार में से उपस्थित अमित सक्सेना, भोजराज मदने, घनश्याम सनोडिया, शरद गुप्ता, अजय गुप्ता। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के साथ अपनी राय जरूर दें। और देखते रहिए TMT News 24।